कब से हम मतलब हम जब चार दिनों से हम बोल रहे हैं सर प्लीज मेरा रिपोर्ट बताइए, कोई रिपोर्ट नहीं बता रहे, कोई डॉक्टर मिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज बढ़े हैं, ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन ये संख्या क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि और प्रभावी फॉगिंग करने की जरूरत है। जल जमाव जहां होगा परेशानी होगी, कि पीएमसीएच के पूरे कैंपस में जहां भी पानी लगा हो या लगने की संभावना हो वहां पूरा फॉगिंग कराएं। कब से हम मतलब चार दिनों से हम बोल रहे हैं सर प्लीज मेरा रिपोर्ट बताइए, कोई रिपोर्ट नहीं बता रहे, कोई डॉक्टर मिलने को तैयार ही नहीं है। पांच दिन पहले हमको बताओ ना कहाँ पर तुम्हारा है? NICU में सर। ठीक है, चल के अभी हम लोग देख के गेट नंबर बता दो, हम लोग देख पा अभी जाके देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या सर, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, मेरा ही बच्चा है। दिल्ली से सीधा एयरपोर्ट से यहीं आया हूँ। 3-4 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, कुछ कार्यक्रम थे, बाकी थे, मीटिंग्स थी। पटना में डेंगू के कारण मुझे बहुत शिकायत मिल रही थी, इसीलिए मैंने दीपावली में डॉक्टरों को डिस्टर्ब नहीं किया। लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैंने सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर साहब से बात की कि आज मैं यहाँ विज़िट करूँगा। और कल मैंने स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत जी से भी बात की थी। यहाँ देखा आपने, मरीजों से भी बात किया, डॉक्टर लगे हुए हैं, वार्ड में घूम रहे हैं, मैंने सुप्रिंटेंडेंट से भी बात किया। मुझे 2-3 बातें ज़रूर कहनी है। इस बार डेंगू की संख्या बढ़ने से चिंता हुई है। पटना में कोविड हुआ, डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, पीएमसीएच के लोगों ने, हम लोगों ने भी मेहनत की, मैंने स्वयं बहुत सहयोग किया पीएमसीएच को, एनएमसीएच को। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज बढ़े हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और स्वाभाविक है, जब यहाँ पेशेंट आएंगे तो डॉक्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन ये संख्या क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि और प्रभावी फॉगिंग करने की ज़रूरत है। पूरे शहर में, प्रदेश में इसके खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी तरीके से करने की ज़रूरत है। और मेरे क्षेत्र की जनता मुझे बार बार शिकायत करती है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैंने सुप्रिंटेंडेंट को और बाकी डॉक्टरों को बहुत विनम्रता से बताया है कि ये शिकायत क्यों है। जब वहाँ आते हैं तो उसकी चिंता कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा रोग क्यों बन रहा है? डेंगू, डेंगू तो चला गया था, एकाध दो होता है तो हो, उसमें दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी संख्या बढ़ रही चिंता की बात है। डॉक्टरों ने मुझे आश्वस्त किया है कि ये संख्या कम हो रही है। अब कम रहा है सर। और मुझे ये भी बताया गया, मैंने पूछा कि क्या दवा की कमी है, उन्होंने कहा दवा की कमी नहीं है। तो ठीक है, मैं देखूँगा, लेकिन मेरी प्रशासन से पूरी अपेक्षा होगी कि पटना नगर निगम क्षेत्र में और प्रभावी रूप से फॉगिंग की जाए। सिर्फ मेन सड़क पर नहीं, गलियों में भी, नुक्कड़ों पर भी, छोटे छोटे जो क्लस्टर ऑफ मकान है वहाँ पर करना चाहिए। और यही काम बाकी प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि अगर चलिए मैं देख रहा हूँ, मुझे प्रिंसिपल सुप्रिंटेंडेंट साहब ने बताया है, प्रिंसिपल साहब भी हैं, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट भी हैं, वो इसको देखेंगे, इसमें जो भी कार्रवाई करना हो करेंगे। जल जमाव जहाँ होगा परेशानी होगी, इसलिए ये जो दुर्गा पूजा के बाद और जाड़े के पहले का जो मौसम बदलता है, इसमें और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। आपने बताया है, इन्होंने भी देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि खास करके मैं अपेक्षा करूंगा प्रिंसिपल साहब से और प्रशासन से कि पीएमसीएच के पूरे कैंपस में जहां भी पानी लगा हो या लगने की संभावना हो वहां पूरा फॉगिंग कराएं और हर गलियारे में भी फॉगिंग। ऐसी हैं ये सब दीपावली के नए भक्त हैं, हम खाते हैं।
एजेंसी कहाँ की हो? नमस्कार सर। नमस्ते। जैन सर।